अस्सलामु अलैकुम। कक्षा 6 विषय हिंदी स्वाध्याय पोथी कार्य कविता 5 जय विज्ञान की। बराबर बच्चों, हम ये कविता को समझ गए हैं। यहाँ पर जवान की जय हो, किसान की जय और विज्ञान की जय बताया गया है। नए नए साधन आ गए हैं, नए नए अनुसंधानों का जय जयकार किया है। आज लोग पल भर में मथुरा पहुंच जाते हैं। तो ये सब किसके कारण हुआ है? विज्ञान के कारण हुआ है। इसीलिए इस कविता में विज्ञान की जय बताई गई है। आज हम यह कविता का स्वाध्याय पोथी कार्य करेंगे। तो चलो बच्चों, शुरुआत करें प्रश्न नंबर 1 से। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्सर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए, जिसमें पहला है जय जवान जय किसान या एक खाली जगह है। जय जवान जय किसान क्या है? वाक्य, पंक्ति, कहावत या नारा? तो क्या है? जय जवान जय किसान एक नारा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? डी, नारा। आगे देखें हम, सिलसिला शब्द का अर्थ क्या है? सिलसिला शब्द का अर्थ क्या है? क्रम, भ्रम, श्रम या शुरुआत? तो हमें पता है सिलसिला मतलब क्रम, तो हम यहाँ लिखेंगे ए। आगे देखें, विज्ञान ने किसका जादू दिखाया है? विनाश का, विकास का, विलास का या फिर प्रयास का? विज्ञान ने विकास का जादू दिखाया है मतलब क्या आएगा? बी आएगा। आगे देखें, मानव शब्द का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। पावन, फागुन, वामन या दानव? तो क्या आएगा? दानव। मानव शब्द का विरोधी शब्द हमें लिखना है, तो मानव का विरोधी आएगा दानव। इतने मतलब हमें यहाँ पर दी लिखना है। आगे देखें हम प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें कोष्टक दिया है जिसमें हमें चुनकर रिक्त स्थान पूरना है। नंबर 1 देखें, खाली जगह का शुरू सिलसिला, तो क्या आएगा? सुविधाओं का शुरू सिलसिला। देखो बच्चे, यहाँ पर कोष्टक में हमें दिया है सुविधाओं। नए नए खाली जगह बनाए, क्या आएगा? उपकरण, नए नए उपकरण बनाए। खाली जगह पर बातें कीजिए, किस पर? मोबाइल पर बातें कीजिए। कंप्यूटर की खाली जगह आ गई क्रांति, कंप्यूटर की क्रांति आ गई। क्या आ गई? क्रांति मतलब बदलाव। बच्चे नई खाली जगह के बोले, क्या आएगा? सदी मतलब शताब्दी। बच्चे नई सदी के बोले। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। हमें यहाँ पर सही विधान देखकर, हमें सही वाक्यांश देखकर विधान को पूर्ण करना है। पहला देखेंगे, जय जवान जय किसान का नारा गांधी जी ने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने दिया या फिर लाल बहादुर शास्त्री ने दिया? तो किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। आगे देखें, नए नए अनुसंधानों के कारण ही नए नए उपकरण बनते हैं, हम दूसरों का अनुकरण करते हैं या फिर नए नए उदाहरण दिए जाते हैं। नए नए अनुसंधानों के कारण क्या हुआ है? नए नए उपकरण बनते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? अ, नए नए उपकरण बनते हैं। विज्ञान के कारण हमें खाली क्या आएगा? तरह तरह की सुविधाएं मिली हैं, तरह तरह की सुविधाएं मिली हैं या फिर तरह तरह की रचनाएं मिली है? तो हम क्या लिखेंगे? तरह तरह की सुविधाएं मिली है मतलब ब। विज्ञान के कारण हमें तरह तरह की सुविधाएं मिली हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, जिसमें पहला सवाल है, कवि किसकी जय जयकार करते हैं? कवि किसान, जवान और विज्ञान की जय जयकार करते हैं। किसकी आएगा? किसान, जवान और विज्ञान की। विज्ञान ने कौन सी डगर आसान बना दी है? विज्ञान ने मानव को विजयश्री दिलाने वाली, विज्ञान ने मानव को विजयश्री दिलाने वाली डगर आसान बना दी है। आगे देखें,
वैज्ञानिक उपकरणों का फायदा क्या है, वैज्ञानिक साधनों का, जिससे क्या हो गया है, समय और शक्ति की बचत हुई है, साथ ही साथ हमारा जो कार्य है वो आसान हो गया है। तो हम लिखेंगे वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग से कार्य आसान हो गया हो जाता है एवं श्रम और शक्ति की भी बचत होती है। यश पाने का मार्ग कौन सा है, यश मतलब नाम कमाने का मार्ग। तो यश पाने का मार्ग क्या है, समय के साथ चलना। बराबर क्या आएगा कि हमें समय के साथ चलना चाहिए तो ही हम यश पा सकेंगे। आगे देखें, हमें किसकी शुरुआत करनी है, हमें मानवता के गान की शुरुआत करनी है, इंसानियत के गान की। बराबर आगे देखें, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है, कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है, कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से। बराबर आगे देखें, किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है, हम संदेशा व्यवहार किससे करते हैं, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से हम संदेशा व्यवहार करते हैं, मतलब हो सकता है। आगे देखें, हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे, हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे। विज्ञान ने जो हमें नए नए साधन दिए हैं उसका उपयोग करके हम धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे। आगे देखें, क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं, हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं, हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़ेंगे तो ही दुनिया में नाम कमा सकते हैं। तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है, क्यों? बच्चों आपको जो आविष्कार, जो खोज अच्छी लगती हो आप लिख सकते हैं। हमें टेलीविज़न का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि वह तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है, टेलीविज़न जो है वो मनोरंजन करता है, इसीलिए हमें टेलीविज़न का आविष्कार अच्छा लगता है। आगे देखें, हम प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखें, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं। बच्चों आप जानते ही है कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर हम देखते हैं सभी जगह है, तो हम लिखेंगे कि कंप्यूटर से बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती है, बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है, आपने देखा ही होगा, घर बैठे रेलवे और हवाई सफ़र के टिकट बुक करा सकते हैं, घर बैठे मुद्रण कार्य भी किया जा सकता है, सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग जो है वो वरदान सिद्ध हुआ है। इंटरनेट जो है वो जानकारी का भंडार है, इससे किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। आपको पता ही होगा जो हमें जानकारी लेनी हो तो हम इंटरनेट का प्रयोग करते उपयोग करते हैं, तो जिससे क्या होता है हमें पूरी जानकारी मिल जाती है। आगे देखेंगे प्रश्न 4-6, क्या होता है बताइए। तो हमें देखना है पहला कि यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो क्या होता, बच्चों बोलो। तो हमें संदेश देने के लिए लैंडिंग फ़ोन अथवा पीसीओ फोन के फ़ोनों पर आधार रखना पड़ता और हम जहां और जब चाहते तब बात करने की सुविधा हमें नहीं होती। बराबर आगे देखें, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो क्या होता, आज देश ने जो प्रगति की है वह नहीं होती, क्या होता, आज देश ने जो प्रगति की है वह नहीं होती। यदि कंप्यूटर जैसे फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं होता तो हम जितनी तेज़ और सहज ढंग से प्रगति कर रहे हैं वह संभव नहीं होती। हमने जो प्रगति की वो अगर कंप्यूटर फैक्स ना होता तो कुछ भी ना होता। बराबर बच्चों, यह कविता का स्वाध्याय पोथी कार्य आपको आपकी स्वाध्याय पोथी में सुंदर अक्षरों में लिखना होगा। थैंक यू।